जाता है, एक प्रगति में बैठकर भजन करने वालों के बीच में से जो निकल जाता है वह छठे अंश के पाप को पाता है। संध्या समय सोने कार्तिक पूर्णिमा छी है, जो कि पूरे देश में पूरे भारत में गंगा स्नान से जे आज का दिन जो है वो गंगा स्नान से जाना जाता है और पूरे भारतवर्ष में बड़े प्रेम से जे उत्सव मनाया जाता है। लोग जहाँ जहाँ पावन नदियाँ हैं वहाँ स्नान करते हैं। ऋषियों महापुरुषों ने इस कार्तिक मास को दान का मास, पुण्य का मास, स्नान का मास कहा है। इस पावन मास में सहब गुरु नानक देव महाराज जी प्रकट हुए और जैसा कि कहते हैं सतगुरु नानक प्रगटया मिट्टी धुंध जग चानन होया, तो ऐसे दिव्य विभूतियाँ जब देश में आती हैं तो अज्ञान का अंधकार मिटा करके जीव को उनके हृदय को प्रकाशित करके सत मार्ग पर चलाकर उस परमात्मा से परमात्मा का संदेश जो है वो महापुरुष जन जन को सुनाते हैं कि उस परम पिता परमात्मा के नाम से ही जीव का कल्याण है। तो इस मास में तुलसी माँ की पूजा, तुलसी में दीप जलाए जाते हैं ताकि जितना भी दीप जलता है हमारा जो वायुमंडल है वो शुद्ध होता है और उससे अनेक प्रकार की व्याधियाँ, अनेक प्रकार के दुख जो हैं जो दूर होते हैं। तो हम सब भी परमात्मा से, ईश्वर से जय चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हे गुरु महाराज जी, जो संसार के भीतर इतनी बड़ी महामारी फैली है कोरोना नाम की और उससे आज हर आदमी जो है त्राशित है, भयभीत है, तो हम आपके चरणों में आज यही मांगते हैं कि हे परमात्मा, जन जन का कल्याण करें और देश के भीतर जो संकट आया है उस संकट का आप निवारण करें। बोलिए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। रामायण बाल शंकर के नाल पुरुषोत्तम को सिख समाना न्यूज़।